इस पर कॉल करने की वजह? ऐसे मैं जानता था तुम मेरे बारे में सोच के गुस्सा हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, और मैं कॉल करूंगा तो तुम कॉल भी पिक नहीं करोगे। What makes you think कि तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि हर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है? अरे मेरे बारे में या फिर नुवेरा के बारे में सोचना एक ही बात है ना। क्यों फोन किया? मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज भी मुझे नुवेरा ने ही बुलाया था। मुझे क्यों बता रहे? अरे भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह ना जब आंटी ने भी मुझे और नुवेरा को साथ देखा था तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा बता दूं। एटलीस्ट उन्हें ये तो पूछना चाहिए था ना कि मैं वहां पे क्यों आया था। लिसन, तुम्हें या तुम्हारी किसी भी बात में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टूड? अच्छा लेकिन इतना रूड क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, इतना गुस्सा? सोई नहीं तुम? नहीं डैड, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। वकास की वजह से? जी डैड, वो चाहता है कि मैं उससे इसी वक्त शादी करूं, और अगर मैं उससे शादी इस वक्त नहीं करती तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँ। भाई इससे तो ये साबित होता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, तुमने इनसिक्योर कर दिया उसको ना, ये भी तो मोहब्बत ही है ना। अगर आपके दिल में किसी को खो देने का खौफ पैदा हो जाए। इतने खौफजदा इंसान के साथ शादी करके तो मैं हर मर्तबा उसको एक्सप्लेनेशन ही देती रह जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते, ये छोटी छोटी बातें हैं, साथ रहोगी ना ये प्रॉब्लम्स खुद ही हल हो जाएंगे, हट जाएगी मुसीबत। खाला को कॉल की थी मैंने। क्यों, इसकी नौबत क्यों पेश आई? मैंने उनसे बोल दिया है कि मलका अगर घर आना चाहती है तो आ सकती है। उन्होंने पूछा है नहीं? ख्याल कैसे आ गया अब तुम्हें? पूछना क्यों, खाला यही तो ख्वाहिश थी। ख्वाहिश तो तुम्हारी माँ की भी थी, माँ की ख्वाहिश खाला की ख्वाहिश से ज्यादा नवेरा जीत गई। तुम्हारा अभी भी उससे रापता है? बिल्कुल है रापता, पर यही रापता तो काम आया। वैसे भैया आपने खुद ही तो कॉल की थी नवेरा को। भाई मैंने फोन किया था नवेरा को, मैंने इसे डांटा था। अब उस लड़की से हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, ताल्लुक है तो उसे हमारी फिक्र है ना। अम्मी वकास को इस ताल्लुक का पता है? उसके तो खबर सुन के होश ही उड़ गया था। क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है? बाहर के मामलात ना अभी बाहर ही रहने थे, मैं देख लूं। जाओ देखो मीठे में क्या है, लेकर आओ। मेरा फेथ बहुत कमजोर हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार वकास से मिलके सब कुछ क्लियर कर बात कर लूँ। तो वकास से मिलने से और बात करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देखो मैं नहीं चाहता कि बात खराब हो गई। खैर आप खुद बताएं कि अगर इस तरह जल्दबाजी में शादी होगी तो कौन सा मामला हल हो जाएगा? वकास से मंगनी करने को तुम तैयार हो तो इसका तो मतलब यह है कि तुमने उसको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, और अगर वो जल्दी शादी करने की बात कर रहा है तो ये उसका हक है, तुम्हारा भी। इतनी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिल से नहीं लगाना चाहिए,
सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम वंस यू गाइस स्टार्ट लिविंग टुगेदर। ओके डैड, तो फिर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो फैसला मैं करूंगी उसमें आप मेरा साथ देंगे। फैसला? कैसा फैसला? डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सिर्फ मेरे डैड नहीं हैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आपने मुझे हमेशा हर बात में सपोर्ट किया, हमेशा आप मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मुझे ट्रस्ट नहीं करता, जो मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है ना डैड, देन ही हैज टू लर्न टू ट्रस्ट मी। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों? अब जब नवेरा की तरफ गई हैं तो वकील था वहां पर। बेटा टाइम तो देखो क्या हो रहा है, सो जाओ जाके, बहुत रात हो गई है। मॉम मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए प्लीज। हम सुबह बात कर लेंगे बेटा। इसका मतलब है वो सही कह रहा था। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि नवेरा ने उसे खुद बुलाया था वहां पर। वो असल में नवेरा कही थी कोई फैमिली मैटर था, उसको डिस्कस करना। नवेरा ने बुलाया और यकील खुद गया, बात तो एक ही है ना। प्लीज वकास सो जाओ, मेरे वाकई सर में दर्द हो रहा है। जस्ट गो टू स्लीप, जाओ, बहुत रात हो गई है। दिस इज नॉट ऑन नवेरा, तुम मुझे हर्ट कर रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं मोहब्बत करूंगा वो मेरे ट्रस्ट को इतना शैटर करेगी। दिस इज नॉट राइट। हेलो। हाँ फायजा, कैसी हो? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों, क्या हुआ? सर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो आज ही अपलोड हुई है? वीडियो? कौन सी वीडियो? सर वो मैंने आपको ना लिंक व्हाट्सएप किया है, मैंने रिपोर्ट भी कर दी है, किसी ने आज ही अपलोड किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ सुभानी। अरे नहीं, मैं नहीं जानता इस लड़की को, पता नहीं कौन है। आई डोंट इवन नो हर, मुझे क्या पता है, फजूल में ऐसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तुम जानते हो मुझे। हाँ मैं विश, देख ली मैंने वीडियो। अरे नहीं यार, आई डोंट इवन नो हर, पता नहीं क्यों ये घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पर। नहीं एब्सोल्युटली नॉट यार, जानता ही नहीं हूं मैं इसे। खैर छोड़ो, मैं छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता। सही है, ओके बाय। अगर हो सके तो आज खाने पे आ जाना दिन में। नहीं प्यार से कहोगी तो जरूर आऊंगा।
अम्मी को खुशी होगी तुम्हें मेरे साथ देखकर। वेल, आज तो उन्हें इस बात की खुशी होगी कि तुम घर वापस जा रही हो। शादी के बाद पहली बार जो तुम घर जा रही हो। मैंने तो उन्हें मना किया था कि दावत करने का तकल्लुफ मत करें, मगर वो मानी ही नहीं। तुम मेरी बात मानोगे? देखो वकील, अगर तुम्हें कुछ भी कह दे आज तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना, झगड़ा ना करना। वो कौन सा घर पे होगा? मैं इतनी अहम नहीं हूँ कि वो अपने सारे काम छोड़ के मेरे लिए घर पे बैठेगा। उसको अपनी आवारा गर्दियों से फुर्सत कहाँ। फिर वही बात, अगर उसने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है तो प्लीज तुम भी कर लो। मुझे इतनी खुशफहमी नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम मम्मी के साथ चली जाना वहां पर, मैं डायरेक्टली लंच पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा अम्मी, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, कोशिश करके वक्त निकाल लेना दिन में। जी मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चा। मैंने इसे कल कहा था कि वक्त निकाल कर जरूरी खाने पर आ जाना, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। मुझे लगता है मेरी बेटी की बात मान गया। इनकार तो आपको भी नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, उसने मुझे इसलिए इनकार किया था कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था वक्त निकालना, और उसने तुम्हें इसलिए इनकार नहीं किया कि उसको अंदाजा था तुम्हारी खुशी का। अच्छा सुनो बेटा, आज तुम पहली बार अम्मी के घर शादी के बाद जा रही हो, अच्छी तरह से तैयार होके जाना। अच्छा नवेरा, मैं सोच ही रहा था कि ऑफिस जाते हुए तुमसे मिलता जाऊं। आई ऑल्सो नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर होगा हम आंटी के सामने बात करें। मुझे भी तुमसे बात करनी, लेकिन मॉम के सामने नहीं। जो कुछ है यही कह दो, मॉम के सामने सच कहोगी तो वो हर्ट होंगी। कैसा सच? वही सच जिसकी वजह से तुम अकील से मिले बिना नहीं रह सकते। Are you insane? Yes, I am insane. और तुम चाहती भी नहीं हो शायद कि मैं अपनी senses में रहूं। You just want to hurt me, Nimera. Oh God, now I am the one. तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह अकील को देना चाहती हूँ? मुझे लगता है कि तुम मेरी जगह अकील को दे चुकी हो। ओके, फिर उससे क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी नहीं हूं तो आज निकाह हो जाने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आंसर मी वकास। इसका जवाब तो तुम दो ना मुझे। नो, यू आंसर माय गॉड दैट क्वेश्चन। लिसन टू मी, नवेरा, तो वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। तुम्हें पता नहीं लग रहा वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you are the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो खुद नहीं कर सकता। My God, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, मगर यहाँ तो सारी बात पावर गेम की है। ये क्या कर रही है? तुम मुझसे निकाह करके अकील को नीचा दिखाना चाहते, और मैं ये अंगूठी तुम्हें दे के ये दिखाना चाहती हूं कि मैं एक इंसान हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं, जिसको तुम और तुम्हारा दोस्त हासिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि हु इज द मोस्ट पावरफुल। मैं अपनी जिंदगी तुम दोनों की राइवलरी में बर्बाद नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस ऑन एनीथिंग टू हेल्प विद यू एंड योर फ्रेंड।
अरे ऑफिस नहीं गए क्या? कुछ भूल गए हो? जी मां, भूल गया था कि दोस्त मतलबी और खुदगर्ज हो जाएं तो आस्तीन का साम बन जाती। अब सुबह ही सुबह क्यों उसका जिक्र कर रहे हो? नवेरा ही। अच्छा, कहाँ है? चली गई क्या? का डर था मुझे। अरे मुन्नी बेटा, ये क्या तकल्लुफ में लग गई तुम? हाँ मेहमान तो नहीं है। अरे खाला, कुछ तकल्लुफ नहीं किया, मैं हेल्प करवाती। अरे तुम मेरे पास ही बैठी रहो ना, बर्तन ही तो उसने साफ करके रखने, बाकी तो सब काम हो गया। अरे वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। जब माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा हर माँ को अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है। बस ज्यादा दुआ करो कि ये भी खुशखबरी सुनाए, ताकि मेरा घर भी मुकम्मल हो। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह जरूर देगा। क्या बात है मलका, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि हम लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। जब माँ बाप के घर में होते हैं तो कहा जाता है कि अच्छा सा रिश्ता आए, ससुराल चली जाओ तो अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेंगे, और जब ब्याह कर ससुराल चली जाती हैं तो ये दुआ देने लग जाती हैं कि जल्दी से गोद भर जाए, ताकि दो घड़ियाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी ना जी सके। कैसी बातें कर रही हो मलका? मजाक कर रही। साहिदा फिक्र ना करो, मेरे ख्याल में सुमर में सब लड़कियों की यही सोच होती है। अच्छा मलका, जरा आसिम को फोन कर दो, उसको बोलो थोड़ी देर के लिए घर आ जाए, खाना खा के वापस चला जाए। हाँ हाँ, वो आने वाला है, फिक्र नहीं करो। मैं मुन्नी को देख लूँ, बड़ी अच्छी खुशबूएं आ रही हैं, पता नहीं क्या बना रहे थे। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब आपकी पसंद का बनाया है आप? बड़ी प्यारी लग रही हैं आप तो। आसिम भाई से शादी के बाद आपका हुस्न तो और बढ़ गया। अब ये बात आसिम के सामने मत कह देना, वरना सारा क्रेडिट अपनी मोहब्बत को दे देगा। तो इसमें झूठ क्या है? मैं तो पहले ही कहती थी कि आसिम भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बस करो, ऐसे बात कर रही हो जैसे मोहब्बत में PhD कर लिया तुमने। जल्दी से खाना बनाओ और बाहर लगाओ। बस यही चॉप कर लूं, उसके बाद। रजा बस यहाँ पे लगा लीजिए और जाकर देखें कि वो रोस्ट चिकन अवन में हो गया सही कि नहीं। तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारी सैंडविचेस बनाई है मैंने। अकील, व्हाट इज दिस? अगर तुम यहाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हो तो तुम मेरी तरफ देख तो लो। देख तो रहा हूँ। कहाँ देख रहे हो? जब से आए हो तुम ये चैट पे लगे हुए हो। हाँ वो दोस्त है यूके में, उससे बात कर रहा था। दो तीन मिनट दे दो मुझे। Whatever. This is fabulous. क्या है टिका? आके इसको अल्लाह का इंसाफ देते हैं। इंसान समझता था कि कभी दुनिया को इसका असल रूप नहीं नजर आए। अब देखो ये वीडियो वायरल हो रही है। वाह, चेक दिस आउट।
जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। ये आतिफ नवाज, माय एक्स हस्बैंड, वर्स्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ, वर्स्ट मिस्टेक। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। क्या, क्यों? तुमने तो आज डे स्पेंड करना था मेरे। अकील, अकील, व्हाट हैपेंड? मलिका, बेटा तुम आसिम को अभी भी वैसे ही बुलाती हो जैसे शादी से पहले बुलाते थे? क्या मतलब, और क्या कहूँ उसे? नहीं मेरी जान, अब वो तुम्हारा शौहर है, अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो कौन देगा? अम्मी, उसने तो आज तक कभी एतराज नहीं किया। ना बेटा, उसने नहीं, उन्होंने। मुझे तो हैरत है कि सलमा ने तुम्हें क्यों नहीं रोका। अम्मी, हर कोई आपकी तरह छोटी छोटी बातों को नोट नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर सलमा ने मोहब्बत में आके तुम्हें रोका नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने शौहर की इज्जत ना करो। ठीक है, ख्याल रखूंगी। शाबाश मेरी अच्छी बेटी। खाला, क्या जरूरत थी ये सब तकल्लुफ करने की? मैंने थोड़ी किया है, सुबह से मुन्नी लगी हुई, उसी ने बनाया है सब कुछ। मुन्नी तो सारा काम हमारे आने से पहले खत्म कर लिया था ताकि हम इसका हाथ ना बटा सके। देखा मलिका, सब तुम्हारे लिए। मैं इसी घर से गई हूँ, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही सारी तवाज़ो। चलिए मेरे लिए ही सही, मेरे बहाने आप सबकी मौज भी होगी। हाँ, थैंक यू मुन्नी। अरे आसिम भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अम्मी को तो इसी बात की फिक्र थी कि आसिम आएगा भी कि नहीं, बार बार कह रही थी कि फोन करो फोन करो। वैसे मेरा आना तो यहाँ पर मुश्किल था, मैंने भी पक्का इरादा किया था कि आज तो मैं जरूर जाऊँगा। और तुम्हें आना भी चाहिए था बेटा। बहुत अच्छा किया, अब लो ना, बातें करते रहोगे। ये देखो, उसने इतना अच्छा ये चरखा बनाया मुन्नी ने। मुन्नी, मीठा तो निकालो अंदर से जाके। अच्छा, लेकर आ। हालांकि भी अगर आ जाता तो अच्छा था। अरे बेटा, उसे घर का खाना कहाँ नसीब होता है, वो तो पता नहीं क्या बाहर से खाता रहता है। खाला, वो हमारे साथ क्यों बैठेगा? आपने उसका डाइट प्लान चेक किया? वो ये सब चीजें थोड़ी खाता। अरे हाँ, उसके कमरे में इतने बड़े बड़े डब्बे, पता नहीं वो किस चीज के, वो क्या खाता रहता है। अम्मी, वो स्पेशल डाइट होती है, सप्लीमेंट्स कहते हैं उसे। अरे छोड़ रहे हैं उस डाइट को, हम अपनी डाइट देखते हैं। अच्छा मुन्नी, हम चलते हैं फिर। कोई नहीं आसिम भाई, मैं ग्रीन टी बना के ला रही हूँ। मलिका कहाँ है? अरे यार, हमें पता होता कि तुम आ रहे हो तो हम तुम्हारा इंतजार कर लेते खाने पर। मलिका, क्या हुआ? चलो अंदर। क्या हुआ तुम्हें अकील? अकील, क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? इसके करतूत सुनेंगी ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। मस्ता बोलो, बाहर लोग बैठे। मुझे लगा था इसकी शादी होगी, गंदगी की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे इसके, लेकिन ये, इसको कोई अकल नहीं आई। क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? क्या किया है तुम? तुझे तो उसी रात मार देना चाहिए था जिस रात तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के ना इस घर से निकली थी। बस तो बोलो, बाहर तुम्हारी खाला और आसिम बैठी, अगर उन्होंने सुन लिया तो मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगी। मैं नजरें मिलाने के काबिल तो इसने अब भी नहीं हमें छोड़ा। क्या किया इसने? क्या किया इसने? कि लाडली अब भी उस आतिफ नवाज से मिलती है जाके, मुझे इसे। नहीं, मैं क्यों मिलूंगी उससे? झूठ बोल रही है, गलत है ये। झूठ बोल रहा हूँ तो ये क्या? ये वीडियो देखो, ये भी झूठ है। मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया, मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते जिनकी वजह से हम जैसी औरतें, शर्म नहीं आई?
अपने इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? मैंने तो सिर्फ अम्मी, खाला से कहें इसे अपने साथ ना भी चलता करें। तुम आइंदा के बाद ना तुमने अपने गंदे कदम इस घर में नहीं रखने, तुम इस काबिल ही नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो, और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। बकवास करती है, होश करो, मत करो कि हाथ जोड़ती हो तुम लोग। ठीक है, अगर मेरे नापाक कदम आप लोगों के घर की पाकिजगी को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई फर्क आ रहा है तो मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मेरे लिए मर गए आप लोग, मर गए। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे गैर मर्द के घर से वापस लाए थे। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद ही कर लिया। डैड, मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो सपोर्ट करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम एंगेजमेंट तोड़ के आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तालियां बजाऊं, शाबाशी दूं। डैड, मुझसे ये रिश्ता मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत गलत किया तुमने, बहुत ही गलत किया तुमने। डैड, गलत मैंने नहीं किया है, गलत वो कर रहा है मेरे साथ, वो हर बात में। अरे इसमें क्या गलत है, अगर वो तुमसे निकाह करना चाह रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? डैड, यही तो गलत बात है कि वो मुझसे निकाह इसलिए करना चाहता है कि उसे लगता है कि अगर अभी निकाह नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। डैड, वो ये शादी मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहा, अपनी दोस्त की दुश्मनी में कर रहा है। अच्छा, अच्छा, सुनो, बिना वजह आपसे छोड़ी हो, मैं और सुमेरा है ना, हम उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी। डैड, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकते। देखो, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपके कहने पे एंगेजमेंट कर ली थी। लेकिन डैड, शादी मैं इसलिए डिले कर रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरे दिल में कुछ शक है। डैड, मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं उसे नहीं समझ पा रही। अच्छा, सुनो, एक चांस दे दो उसको, maybe he'll understand. एक चांस दे दो। डैड, आप सब जानते थे मैंने आपसे तो कुछ कभी नहीं छुपाया। डैड, अगर आपको लगता है कि आप उसे समझा सकते हैं तो आपको गलत लगता है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी सोच तब्दील नहीं कर सकते। खास मैंने कहा है ना, मैं बात करूंगी भाईजान से। बात कर तो चुकी हैं हम फोन पे। तो तुम क्या चाहते हो, मैं नवेरा का जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर ले आऊं? बहुत मान था ना मामू से आपको अपने रिश्ते पर, कहां गया वो मान, कहां गया वो रिश्ता? तो तुम्हें क्या लगता है भाईजान नवेरा के इस फैसले से बहुत खुश है? अरे दुख होता तो समझाते उसको। समझाएंगे? एक बात सुन ले माँ, नवेरा को अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा मैं। है, मनमानी तो वो कर चुकी है। अगर उसने अपना फैसला ना बदला ना तो बहुत पछताएगी वो। फकास, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि जल्दबाजी में ये निकाह मत करो, लेकिन तुम्हें तो अपना हर फैसला ठीक लगता है। शुक्र करें कि मैंने निकाह का कह दिया तो उसके इरादे जल्दी सामने आ गए हमारे, वरना बहुत देर हो जाती। मेरा ख्याल है मुझे मामू के सामने उससे बात करनी चाहिए ताकि उनको पता चले ना कि मैं फील क्या करता हूँ। ठहरो तो, खुदा के लिए वकास, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला मत करना कि भाईजान को नुमेरा का ये फैसला दुरुस्त लगने लगे। क्या करूँ, आपकी तरह खामोश बैठा रहा हूँ कि वो अपना फैसला बदलेगी मेरे लिए। You don't have a choice now. तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा है। खुदा के लिए सबर कर लो अब। सबर करूंगा तो वो मान जाएगी। एटलीस्ट गिव हिम टाइम कि वो समझाए उसको। ठीक है, दिया वक्त, लेकिन अगर वो ना मानी ना, वो ना समझी तो मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। बस, यू हैव गॉन क्रेजी, सीरियसली। आज अखिल को हुआ क्या था? किसी का लिहाज नहीं किया उसने। खाला बैठी है, बहनोई बैठा है, तुम्हें और जाहिदा को गैरों की तरह अंदर लेके चला गया। आसिम का तो मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए तुम लोगों को बताए बगैर चला गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद उन्हें देर हो रही है इसलिए चले गए होंगे। लेकिन मलका, बात क्या थी, क्यों था वो इतने गुस्से में? और ज़ायदा भी बहुत परेशान थी। अरे अकील के मिजाज को तो आप जानती हैं अच्छे से, पैसे मांग रहा था। क्या, तुमसे? हद है बेशर्मी की, बहन से पैसे मांग रहा था?
अरे नहीं, मुझसे नहीं, अम्मी से पैसे मांग रहा था और मुझे इसलिए अंदर बुला लिया था। उसे लगा शायद अम्मी मेरे पास पैसे रखवाती हैं तो मेरे पास होंगे। खुदा जाने कब अक्ल आएगी इस लड़के को। रिश्तों का लिहाज शर्म तो रहा नहीं इसमें, ज़ाहिदा की भी जिंदगी दो भर करके रख दी। हाँ बस क्या कहें, और तू हमारे लिए उसी रात भर की थी जिस रात हम दोनों तुझे खैरमत के घर से वापस लाए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो, और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। अरे इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हाँ सुमैरा। बैठे भाईजान प्लीज। भाईजान मैं आपको यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा भाई किसी बात पे शर्मिंदा हो। सुमैरा, नवैरा ने जो तुम्हारे साथ किया उस पे मैं शर्मिंदा तो हूँ तुमसे, मगर इस शर्मिंदगी और निदामत का एहसास तो नवैरा को होना चाहिए ना, उसने हमारे साथ साथ आपका भी दिल दुखाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है फुप्पो, मैंने तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है जो शायद अगर मैं शादी के बाद करती तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। चुप कर जाओ बेटा। रहने दीजिए भैया, बोलने दीजिए इसको। इसको तो शायद ये भी एहसास नहीं है कि इसने हमारी बेलौस मोहब्बत को ठुकरा कर हमें कितना बड़ा दुख दिया है। पप्पा मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, मैंने डैड के बाद सिर्फ आपको ही अपना बड़ा समझा। और आज तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने दुखी दिल से खड़े। पप्पो मैं मानती हूँ कि मैंने आपका और डैड का बहुत दिल दुखाया, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कौन है? अगर वकास ये हरकत करता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। तो फिर ठीक है, मेरा और मेरे डैड का दिल दुखाने के लिए आप उसकी टांगे तो क्या, आप उसके हाथ भी तोड़ दें। Stop it now, will you? तुम क्या समझती हो मैंने उसको समझाया नहीं होगा? वो बेवकूफ है, नादान है, लेकिन सोचो बेटा किसी चीज के खो जाने का खौफ जब सर पे सवार हो जाए ना तो अकल माउफ हो जाती है। तो फिर ऐसे इंसान को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। भाईजान ये मेरे बेटे की मोहब्बत पे शक कर रही है? उसने भी तो उस पे शक किया ना, इस चीज का कोई वजूद ही नहीं है। उसका इल्जाम लगा के बार बार कटहरे में खड़ा किया इसको। वो आप भी मेरे बेटे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखो अगर तुम रियलिस्टिकली देखोगी ना तो वकास ही कसूरवार निकलेगा। प्लीज, क्या वकास के जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? उसको समझाओ वकास को कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, नवेरा का फैसला एक्सेप्ट कर ले वो बस। मुझे आपसे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुमैरा, सॉरी भाईजान, अगर नवेरा और वकास का चैप्टर क्लोज हो गया है तो मैं अपने बेटे का दुखी चेहरा देख के ये रिश्ता नहीं रख सकती। जा रही है आपकी बहन आपके घर से खाली हाथ। ओह लॉर्ड हेल्प मी, स्टूपिड इमोशनल पीपल। हम आपका फोन क्यों बंद है, कब से कॉल कर रहा हूँ? क्या हुआ, घर ही तो आना था। कहा है ना बेसब्री इंसान को नुकसान पहुंचाती है।
क्या बोला मामू, बात हुई आपकी? मैंने भाईजान को बहुत सुनाई। मैंने कहा आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। नवेरा भी वहीं खड़ी थी, मैंने तो साफ कह दिया। तो तुम क्या समझती हो, तुम नहीं तो क्या उसकी जिंदगी का सफर रुक जाएगा? अरे उसके लिए तो बहुत से रिश्ते खड़े। बस आड़े हाथों लिया मैंने उसको। मॉम मॉम, ये क्यों बोल दिया कि मुझे रिश्तों की कमी नहीं है? मुझे सिर्फ नवेरा से शादी करनी है, पता तो है आपको। बस कर दो, छोड़ दो उसकी जिद। अगर आप जान चुकी हैं कि वो मेरी जिद है तो अपनी जिद पूरी करके ही रहूंगा। यू आर इम्पॉसिबल। कहाँ रह गया है आसिम? इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। मुझे खाला को जगाकर बता देना चाहिए कि वो अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं। घर का रास्ता भूल गया था। घर का रास्ता भूल गया था? मतलब कौन भूलता है घर का रास्ता? भूलना पड़ता है अगर घर का रास्ता इतना तवील हो कि वहां जाने को जीना चाहिए।